हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस में बायोलॉजी पोर्शन। यूनिट 1 चल रहा था, चैप्टर 1 चल रहा था, ठीक है। कुछ चैप्टर इसका जो कुछ पार्ट्स था वो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी पोर्शन। वैसे कि इससे पहले भी चैप्टर 1 का, यूनिट 1 का बहुत सारा पोर्शन हो भी चुका था, है ना। आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो है मनुष्य में पोषण की क्रिया। मनुष्य में पोषण कैसे होता है एक्चुअल में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। फुल डिटेल्स में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो इसमें देखो, सबसे लिखा हुआ ये है कि मनुष्य में पोषण की क्रिया। तो मनुष्य में पोषण की क्रिया कैसे होती है? मनुष्य में पोषण, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई, देखो जो पोषण की क्रिया होती है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम से वो द्वारा होता है, मतलब पाचन तंत्र द्वारा होता है ना। मनुष्य में पाचन तंत्र पाए जाते हैं, पाचन तंत्र द्वारा भोजन का पाचन होता है, पोषण की क्रिया होती है। तो मनुष्य में आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होता है, ठीक है, होती है, जो मुख से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होती है, जिसके निम्नलिखित अंग है। अब मैं इसको पहले डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझोगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मेरे लिए डायग्राम आप ले देखोगे। मुख से शुरू होकर देखो, ये पोर्शन है, ये होगा मुख आपका, ठीक है। देखो इसमें ये पोर्शन दिया हुआ है, ये क्या है आपका, मुख हो गया, ठीक है, मुख है। मुख में जीवा हो गया, ये हो गया, ये पोर्शन जीवा हो गया, जीव हो गया, ये हो गया आपका मुख। और इसी में होता है एक और जिसका नाम है लार ग्रंथि, इसमें मेंशन किया हुआ नहीं है, लार ग्रंथि, जिसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं मनुष्य के मुख में, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रासिका, फिर उसके नीचे आगे तक इसका नाम हो जाएगा ग्रास नली, इसका नाम हो जाएगा फाइनली क्या, ग्रास नली, ग्रासिका, ग्रास नली। उसके और नीचे आएंगे तो हो जाएगा आपका अमाश, ये अमाश वाला पोर्शन हुआ जो इस आकार का होगा, ठीक है, इस आकार का, ये हो गया अमाश। अमाश के जस्ट बाद होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत होता है। और क्या होता है कि उसके नीचे एक पैरेलल में अग्नियाश होता है, अग्नियाश, जिसमें भोजन जाता नहीं बल्कि वहाँ से भोजन को पचाने के लिए एक अलग से एंजाइम निकलते हैं, वो उसका काम होता है। और अमाशय के ठीक ऊपर होता है एक बड़ी ग्रंथि, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका नाम क्या है, यकृत, ठीक है, यकृत होता है, जो काले भूरे रंग की लगभग होती है, ये यकृत हो गया, इसके ठीक ऊपर। इससे भी पितरस आता है, ये समझना है कि इसके नीचे जो पीले रंग की ग्रंथि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ जो पीले रंग की आपकी ग्रंथि दिख रही है, ये वाले, ये क्या है, अग्नियाश है। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, पित्त हो गया, ये पित्त कह रहा हूँ, यकृत हो गया, यकृत, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, अमाश, ये अमाश हो गया, ठीक है। और उसके नीचे क्या हो गया, अग्नियाश, ये हो गया क्या, यकृत। यकृत में एक थैली पाई जाती है जिसका नाम है पित्त की थैली, पिताश जिसको कहते हैं ना, मतलब यकृत से जो पित्त का रस निकलता है वो पिताश में आके जमा होता है, तो जिसका नाम पिताश, अब भोजन को पचाने में सहायक होता है। वैसे इसका काम सेपरेट एक एक करके देखेंगे कैसे इसका काम क्या होगा। उसके भोजन जो है वो अमाश से छोटी आंत में जाता है ना, फिर छोटी आंत से भोजन जाता है बड़ी आंत में, पचा हुआ भोजन फिर कहाँ जाएगा, अपचा भोजन फिर कहाँ जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब ये हुआ कि टोटल जो आहार नल की लंबाई होती है, अभी बताया गया था, 8 से 10 मीटर तक होती है, जिसमें से छोटी आंत की लंबाई अकेला होता है 6 से 8 मीटर की, और 2 मीटर के अंदर में आपका ग्रास नली या छोटी आंत नहीं बड़ी आंत हो गया, अमाश हो गया, ये सब अंग आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें मुख गुहा, अभी देखे तो मुख गुहा कैसा होता है। तो मुख गुहा जो होता है ये आहार नल का सबसे पहला भाग होगा, ठीक है, मुख गुहा जो होगा वो आहार नल का सबसे पहला भाग होता है, जो दोनों जबड़ों से घिरे होते हैं, ऑब्वियसली दोनों जबड़ों से होता है। अब मनुष्य में क्या होता है, दोनों जबड़ा होता है इस तरह से, ठीक है, नीचे जबड़ा होता है, वो जबड़ा, यहाँ पर नासिका वेशम होते इस पोर्शन पे, निचले जबड़ों में एक मांसल जीवा पाई जाती है, नीचे वाला जबड़े में मांसल जीवा पाई जाती है, जीभ पर स्वाद कलियां होती है जिससे भोजन की मदद से स्वाद का पता लगाते हैं। तो ये तो है कि एक जीभ सबसे नीचे वाले पोर्शन पर, निचले जबड़े पे एक मांसल जीवा पाई जाती है, सॉफ्ट होती है,
और जीवा का काम क्या होता है, भोजन को घुमाना, आगे पीछे हिलाना, भोजन को अगले भागों में भेजना, साथ साथ भोजन के स्वाद का पता करना, क्योंकि जीव पे क्या होता है, स्वाद कली पाए जाते हैं, इस तरह से स्वाद कली होते हैं। जीव के किसी भाग पर क्या होता है कि कड़वा का पता चलेगा, किसी भाग पर क्या होता है कि खट्टे का पता चलेगा, किसी भाग पर तीखा का, तीता का, इस तरह से जीव के अलग अलग स्वाद कली हैं, वो अलग अलग स्वाद का पता लगाने में मदद करता है। ठीक है, जीव की मदद से भोजन को आगे पीछे घुमाकर भोजन अगले भागों में भेजा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख की, तो मुख गुहा में क्या था कि जितने भी अंग होते हैं, जैसे एक हो गया जीवा, ठीक है, जीवा हो गया आपका, मुख हो गया, उसके बाद ही दांत, तो दांत का क्या काम है, दांत भी भोजन को पचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, चूँकि हम लोग कठोर से कठोर भोजन को, है ना, ग्रहण करते हैं मुख से कठोर भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं, जिसमें दांत हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब भोजन जितना सॉफ्ट अंदर जाएगा, मुलायम जाएगा, कहाँ, अग्न्याश में, ठीक है, अग्न्याश नहीं बल्कि अमाश्य में, जितना सॉफ्ट जाएगा उतना अमाश्य में अम्ल को पचाने में मदद करेगा। ठीक है, मतलब अगले भाग में जो भोजन का पाचन होगा वो उतना ईजिली हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए दांत होना ज़रूरी है। बिना दांत के भोजन को आप निगल सकते हो, कठोर से कठोर भोजन को निगल सकते हो, जो कि एक अमाश ही आपका है वहाँ जाके पचाएगा, शायद वो ठीक तरह से ना पचा पाए, ये भी हो सकता है। तो दांत से क्या होता है कि भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ताकि भोजन और छोटे छोटे कणों में, टुकड़ों में बांट जाए, ताकि आगे वाले भाग को कोई दिक्कत ना हो पचाने में। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है देखो कि दांत मनुष्य के ऊपरी तथा निचली जबड़ों के मसूड़े में गड़े होते हैं, वैसे ऊपरी जबड़े में भी होते हैं, निचली जबड़े में भी होते हैं और मसूड़े में गड़े होते हैं। प्रत्येक दांत का ऊपरी भाग दंताश्थि, जिसका डेंटाइन कहते हैं, दांत का जो ऊपरी भाग होगा इस तरह से, है ना, दांत का जो ऊपरी भाग होगा आपका ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, दंताश्थि, डेंटाइट कहलाएगा, जो हड्डी से भी अधिक मजबूत होता है। ठीक है, दंताश्थि जो होता है, डेंटाइन, वो हड्डी से भी अधिक मजबूत होगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक परी, अब डेंटाइन के ऊपर भी इनामेल की एक परी चढ़ी, परत चढ़ा दी जाती है, इनामेल की एक परत चढ़ा दी जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो आज समझ में आ गया ये बात। अब क्या है कि दांत के काम के बारे में करेंगे, दांत के कितने प्रकार होते हैं, उसका क्या क्या कार्य होते हैं, क्या काम होता है, उसके बारे में, क्योंकि पिछली बार बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है बिहार बोर्ड के लिए, और भी बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए आते ही रहता है। ठीक है, तो दांत का क्या कार्य होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो दांत जनरली चार प्रकार के होते हैं, टोटल दांत 32 होगा। ठीक है, टोटल दांत 32 होता है, लेकिन उन 32 को चार भागों में बांटा गया, चार प्रकारों में बांटा गया, जिसमें से पहला क्या है, किर्णतक, जिसको हम इनसाइजर के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम ये होता है कि भोजन को काटने कुतरने में मदद करता है, भोजन को काटने में या कुतरने में मदद करेगा, किसका काम है, किर्णतक का काम होता है, इनसाइजर का काम होता है। ठीक है, अब सवाल है कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो इनसाइजर की संख्या टोटल होती है 8, टोटल याद रखिएगा 8 होती है, मतलब 4 ऊपर होगा, 4 नीचे होगा, 16 दांत ऊपर 16 नीचे, जिसमें बराबर बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद है अग्रचर्णक, प्री मोलर कहते हैं, इसका काम भोजन को कुचलना, मतलब दांत के चारों प्रकार का कार्य जो है वो अलग अलग है, किर्णतक इनसाइजर जो भोजन को मतलब काटने में या कुतरने में मदद करता है, उसके बाद भोजन को कुचलने में मदद करेगा कौन, अग्रचर्णक प्री मोलर, इसकी संख्या भी टोटल क्या है 8, इस तरह से हो गया आपका 16। ठीक है, अब क्या है, तीसरा प्रकार का दांत है जिसका नाम है चर्णवर्णक, चर्णवर्णक मोलर कहते हैं इसको, इसका कार्य भोजन को पीसना होता है, भोजन को छोटे छोटे महीन महीन कणों में पीसना होता है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम हो गया। इसकी संख्या टोटल 12 है, जिसमें 6 ऊपर होगा, 6 नीचे होगा। उसके बाद भेदक केनाइन, इसका कार्य भोजन को चीरना या फाड़ना, इसकी टोटल संख्या है 4 है। ठीक है, तो इस तरह से दांत के 32 हो गए, 8 फिर 12, उसके बाद हो गया आपका 4। ठीक है, 12 24 और 8 32 हो गया आपका। इस तरह से दांत के चार प्रकार होते हैं, उन चारों का कार्य अलग अलग याद रखिएगा इसको। उसके बाद है भोजन का जो मनुष्य के आहार नल का जो अगला अंग है, जिसका नाम है लाल ग्रंथि, उस मुख में ही है। अभी मुख के ही बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मुख में हम लोग जीव के बारे में जाने हैं, अभी हम दांत के बारे में जाने हैं, अब है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि क्या होता है कि मनुष्य के मुख में लाल ग्रंथि होती है, इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, लाल ग्रंथि आपको यहीं पर पाई जाएगी, इस जगह पे, ये यहाँ पे होती है लाल ग्रंथि। ठीक है,
याद रखिएगा, तीन जोड़ी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि में एक एंजाइम पाया जाता है, मतलब लार होता है, और लार में एक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को मुलायम करने में, भोजन के शर्करा को तोड़ने में बहुत मदद करता है। तो इसका काम है, वो देख लेते क्या है। इसमें लिखा हुआ, मनुष्य के मुख में तीन जोड़ी लार ग्रंथि होती है जिसके द्वारा लार का स्राव होता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन या सेलिवरा एंजाइम, सेलिवरी एंजाइम एमाइलेज कहते हैं। सेलिवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। लार भोजन के साथ आए हुए स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और भोजन को मुलायम कर देता है। याद रखिएगा, जो भोजन है ना, भोजन के साथ आए हुए स्टार्च को, जो भोजन में स्टार्च पाए जाते हैं, उसके माल्टोज में बदल देगा और भोजन को मुलायम कर देगा। इसका काम इतना याद रखिएगा, ताकि इसलिए मुलायम किया जाता है ताकि अगले भाग को भेजने में ईजी हो जाए। अगला भाग जो इसका है वो ग्रसनीय होता है, एक तरह का ओसोफेग, मतलब एक पाइप नली है, ठीक है, ओसोफेगस जिसको हम कहते हैं। तो मुख का तीन भाग है जिसमें जिह्वा हो गया, आपका जीव हो गया, उसका भी काम ये है, महत्वपूर्ण काम है। दांत का भी, सबसे ज़्यादा दांत का महत्वपूर्ण काम है। लार ग्रंथि का काम है, लार ग्रंथि में जैसे हम कहते हैं कि मुंह में पानी आना, वही होता है आपका लार। अब वो लार स्वात होता है, निकलता है लार ग्रंथि से, जो कि मनुष्य के शरीर मुख में तीन जोड़ी पाई जाती है लार ग्रंथि, ठीक है। अगला दूसरा भाग है मनुष्य के मुख का, मनुष्य के क्या नाम है, कह सकते हैं आप आहार नाल का, जिसका नाम है ग्रास नली। एक नली होती है जो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, और पतला होता है, जो अमाश में जाके मिलती है, खुलती है। देखो मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको, ये हो गया आपका क्या, ग्रास नली। ये टोटल लंबाई होगा ग्रास नली, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है इसकी नली, ठीक है। और जो जाके कहाँ खुलती है, अमाश में जाके खुलती है, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में जाके मिलती है, ठीक है। ग्रसनी के ऊपरी भाग को क्या लिखा हुआ, ग्रसनी के ऊपरी, ग्रास नली के ऊपरी भाग को ग्रसनी कहते हैं, ठीक है, ग्रसनी कहेंगे। सबसे ऊपर वाला भाग, वैसे पूरा ग्रास नली दो भागों में बांटा गया, एक ग्रसनी, फिर आगे जो है ग्रसनी के आगे जो होगा वो होगा, ग्रसनी के जो आगे भाग खुलेगा वो निगल द्वार खुलेगा, एक कंठ द्वार खुलेगा, ठीक है। ग्रसनी में क्या होते हैं, दो भाग पाए जाते हैं, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार, कुछ ऐसे होता है, जैसे ऊपर से आ रहा है मुख से, और इस तरह दो जगह बढ़ जाएगा और नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा आपका, तो भोजन ऊपर से आता है और उसके बाद भोजन सीधे नीचे चला जाता है। तो नीचे जाने का अर्थ हुआ कि ये हुआ आपका क्या, ग्रसनी के लिए निगल द्वार हो गया। और इस साइड में जो है ये बना हुआ, ये है कंठ द्वार। कंठ द्वार में क्या होता है कि वायु का प्रवेश होता है, जो कि जाके जा खुलता है कहाँ, फेफड़ों में, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में जाके खुलता है, ठीक है, कंठ द्वार। कंठ द्वारे वायु का प्रवेश होता है, ऑक्सीजन का या बहुत सारे गैसों का मिश्रण का, फिर उसका डिसाइड होता है कि किस गैस को आगे की ओर जाना है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ग्रसनी जो है वो, ग्रसनी का ऊपरी भाग को हम ग्रसनी कहते हैं, ग्रास नली के ऊपरी भाग को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में दो छिद्र पाए जाते हैं, एक निगल द्वार जिससे भोजन आगे की ओर जाता है, एक होता है कंठ द्वार जहाँ सांस नली में जाकर जो खुलता है, सांस नली में जाके खुलेगा। ग्रसनी की दीवारों में शीतलन और संकुचन क्रमाकुचन के कारण अमाश में भेजा जाता है। अब क्या होता है कि जो नीचे जा रहा है भोजन, उसमें शीतलन होना जरूरी है और संकुचन होना जरूरी है। शीतलन और संकुचन का क्या अर्थ हुआ, जब भोजन जिस अंग में पहुंचेगा, मतलब ग्रास नली के जिस भाग में पहुंचेगा, वहां का भाग क्या हुआ, थोड़ा सा फैल जाएगा। इसका मतलब होगा कि वहां शीतलन हुआ है। अगर वहां से निकल गया भोजन, उस पोर्शन को खाली करके, यहां पे भोजन था पहले, अब यहां आ गया, ठीक है, तो इस वाला पोर्शन क्या हुआ, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, तो वो होता है क्या, संकुचन होता है। जो जहाँ पे भोजन जाएगा वो थोड़ा फैल जाएगा, जहाँ पे भोजन नहीं है वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे पाइप ऐसे है, ठीक है। ओसोफेगस ग्रास नली, भोजन यहाँ पर है तो यहाँ आने के क्रम में क्या होता है कि इस पोर्शन थोड़ा सा उड़ जाएगा, थोड़ा फैल जाएगा, बाकी जैसे वैसे रहेगा। फिर भोजन यहाँ आया तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, थोड़ा सा शिथिल जाएगा, फैल जाएगा। तो शिथिलन और संकुचन के कारण ही ग्रास नली में गति प्रदान होता है और भोजन आगे आगे भागों में भेजा जाता है, ठीक है। अगला पोर्शन है
मनुष्य के आहार नालिका जिसका नाम है अमाश, ये महत्वपूर्ण काम है इसका। अमाश में भोजन का पाचन शुरू से होता है, याद रखिएगा, अमाश में भोजन का पाचन शुरू होता है। सबसे पहले जो भोजन का पाचन शुरू होता है वो होता है कहाँ, अमाश में। मुख में भोजन का पाचन हुआ ही नहीं, ग्रास नली में हुआ ही नहीं। जैसे मुख में कुछ हद तक हुआ भी है, दांत ने क्या किया है कि भोजन को छोटे छोटे कणों में बांट दिया, मुलायम कर दिया, लार ग्रंथि द्वारा मुलायम किया गया है, लेकिन पचाया नहीं गया है। पचाने का काम सबसे पहले होगा तो किसका होगा, अमाश का होगा, जो कि अभी दिखाया था मैप में, इस तरह के आकार का होगा। इस आकार का होगा क्या, अमाश। तो अमाश में भोजन का पाचन शुरू होता है। अमाश की दीवारों में तीन प्रकार की जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाश की दीवार में तीन प्रकार की जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब वो तीन प्रकार की जठर ग्रंथि कौन कौन होती है और उसे किस प्रकार का अमल स्रोत निकलता है, मतलब हार्मोन्स निकलते हैं, उसको किस प्रकार का जो होता है एंजाइम वो निकलता है, तो पहला है वो है अमलजन, ठीक है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अमलजन, जो जठर ग्रंथि का सबसे पहला अंग हो गया। बात करते हैं अमाश की, तो अमाश में भोजन का पाचन शुरू होता है, ठीक है, भोजन का पाचन शुरू हो जाएगा। अमाश की दीवारों में तीन प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, याद रखिएगा, अमाश की जो दीवार होते हैं, अमाश का जो आकार होगा वो इस तरह से होगा। ये हो गया अमाश की दीवार। अब इसके अंदर भी तीन जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, इन तीनों का काम अलग अलग होता है। एक जोड़ी लाल ग्रंथि जिसका नाम है अमलजन, अमलजन से क्या होता है, देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रोत होता है अमलजन से। HCl का मुख्य कार्य भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है और HCl में पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन प्रक्रिया करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा एक काम इसका है, अमलजन का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रोत होता है। इसके अंदर इसका काम मुख्य ये होता है कि भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को, HCl का काम ये होता है कि तो आहार नल का तीसरा अंग है जिसका नाम है अमाश, अमाश के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो अमाश में क्या होता है कि भोजन का पाचन सबसे पहले शुरू होता है, ठीक है, सबसे पहले अमाश में ही भोजन का पाचन शुरू होता है। वैसे क्या है कि हम लोग जब पढ़े थे मुख के बारे में, तो मुख में पाचन होता नहीं है, बल्कि वहाँ पाचन के लिए भोजन को तैयार किया जाता है और मुलायम किया जाता है। जैसे दांत की मदद से भोजन को छोटे छोटे कणों में बांटना होता है, लाल ग्रंथि की मदद से क्या होता है कि भोजन को मुलायम करना होता है, तो वहाँ पाचन से शुरू नहीं होता, पाचन जो शुरू होता है वो होता है क्या, अमाश में। सबसे पहले अमाश में ही पाचन शुरू होता है, ठीक है। अमाश की दीवारों में तीन प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पाचन की क्रिया शुरू होती है। तीन जोड़ी पाचन की क्रियाएं पाई जाती है, जठर ग्रंथि जिसका नाम है अमलजन, ये पहला जठर ग्रंथि है जिसका नाम है अमलजन। इस अमलजन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रोत होता है। HCl का मुख्य काम क्या होगा, भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करना और HCl में पेप्सिन एंजाइम भोजन के पेप्टोन पर क्रिया करके उसे पेप्टोन में प्रोटीन पे क्रिया करके पेप्टोन में बदल देगा, ठीक है। HCl का काम याद रखिएगा कि भोजन के आए साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करना है, ये अच्छा काम है। और HCl में जो पेप्सिन होगा एंजाइम, वो भोजन के प्रोटीन को क्रिया करेगा, भोजन का जो प्रोटीन होता है, भोजन के अंदर जो प्रोटीन होता है उस पर क्रिया करके उसको पेप्टोन में बदल देगा। क्योंकि हर प्रकार के भोजन में प्रोटीन मस्ट है, ज़रूर पाया जाता है लगभग सभी प्रकार के भोजन में, तो वो क्या करेगा, पेप्टोन में बदल देगा, ठीक है। दूसरा काम, हमारे अमाश में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर के आसपास रस का, जठर रस का स्रोत होता है, जो 1% से भी कम है, ठीक है। लगभग 3 लीटर जठर रस का स्रोत होता है, इसका जो पीएच मान होगा वो 1% से भी, पीएच मान 1% से भी कम होगा, ठीक है। तो ये था पहला लाल ग्रंथि, ये जठर ग्रंथि जिसको जिसका नाम है दूसरा। अब दूसरा होगा श्लेष्मा म्यूकस, ये दूसरा हो गया आपका। यह अमाश में HCl की अधिक मात्रा को नियंत्रित रखता है ताकि अमाश की आंतरिक दीवारों पर अल्सर ना हो जाए। ये अमाश हो गया आपका,
अधिक HCl जो है वो अधिक मात्रा में निकलना भी नुकसानदेह है। अब लंबे समय तक अब ऐसा होता है कि जब आमाश में भोजन पहुंचेगा तो वहाँ पे HCl की मदद से भोजन का पाचन शुरू हो जाएगा, भोजन पे क्रिया होगी। लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं, ठीक है, लंबे समय तक भूखे रहेंगे तो क्या होगा कि उस पर अमल का प्रभाव होगा ही नहीं, अमल की क्रिया होगी नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जठर रस तो निकल गया लेकिन अमल तो है, ये भोजन तो है ही नहीं उस पर, तो क्रिया किस पर करेगा? तो वही धीरे धीरे जो HCl है वो बन जाएगा, गैस का रूप ले लेगा। HCl से हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, गैस का रूप लेगा, जिसकी वजह से हम लोगों के शरीर में बहुत सारा गैस पाए जाते हैं भूखे रहने की वजह से। अमाश की अधिक मात्रा ना निकले उसको कंट्रोल करने का काम श्लेष्मा का होता है, क्योंकि अगर कंट्रोल ना करेगा तो चूंकि जो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका पीएच मान 1% से भी कम होता है, मतलब शरीर में क्या होगा कि उसके आंतरिक दीवारों पर जख्म के रूप में, अल्सर के रूप में आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये होता है, बहुत नुकसानदेह होगा। ज़ाइमोजिन तीसरा ग्रंथि है, ज़ाइमोजिन अमाश द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम भोजन के वसा को का पाचन करता है तथा वसा का वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। याद रखिएगा कि अमाश द्वारा जो स्रावित लाइपेज है, अमाश द्वारा जो स्रावित लाइपेज एंजाइम है वो भोजन के वसा का पाचन करेगा और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देगा, जिससे भोजन कायम की तरह बन जाता है और अगले भागों में छोटी आंत में चला जाता है। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले वाला अमाश में क्या था कि सबसे पहले अमलजन, अमलजन काम क्या होता है कि भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करना होता है और भोजन में जो प्रोटीन होगा उसको पेप्टोन बदल देगा, ठीक है, प्रोटीन बैक्टीरिया करके उसको पेप्टोन बदल देगा। दूसरा होता है श्लेष्मा, इसका काम ये होता है कि केवल HCl को कंट्रोल करना होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कंट्रोल करना होता है, उसको अधिकता ना, ताकि आंतरिक दीवारों में, अमाश की आंतरिक दीवारों में कोई जख्म किसी भी प्रकार का अल्सर ना होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है ज़ाइमोजिन, ज़ाइमोजिन द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम भोजन के वसा का पाचन करता है, भोजन के वसा का पाचन करेगा क्या, ज़ाइमोजिन, ठीक है, जो वसा को वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदल देता है ताकि भोजन अच्छी तरह कायम बन जाएगा, मतलब एक मुलायम गाढ़ी लई की तरह बन जाएगा, ताकि गाढ़ी लई के बाद बनने के बाद भोजन अगले भागों में आसानी से चला जाए, आसानी से मतलब अगले भाग में कायम को तरह तरह कायम की तरह बनता है और अगले भाग छोटी आंत में चला जाता है। हाँ, छोटी आंत में ही जाएगा, अमास के बाद भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। अब डिस्कशन करते हैं छोटी आंत क्या होता है, जिसका दूसरा नाम है क्षुदांत्र। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 6 से 8 मीटर टोटल है, 8 से 10 मीटर अगर ये है आहार नल है तो उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कुंडलित होता है, फोल्ड होता है, बड़ी आंतों के बीच में फोल्डिंग क्या होता है, इसलिए हम लोग को छोटा दिखता है। लेकिन एक्चुअल में यदि उसको फैला दिया जाए, लंबा कर लिया जाए तो उसकी लंबाई 6 से 8 मीटर तक चली जाएगी, ठीक है। भोजन का पाचन पूर्ण होता है, सब हाँ, भोजन का पाचन जो समाप्त होगा वो कहाँ होगा, छोटी आंत में। दो ही अंग में तो भोजन का पाचन होता है, एक तो अमाश में जो हाँ शुरू हुआ और दूसरा छोटी आंत में जहाँ ख़त्म हुआ। अब छोटी आंत जो होता है ना, चूँकि बहुत लंबा होता है, लगभग 8 से 10 मीटर, मैंने मान लिया कि इसको सीधा बना दिया, ठीक है, ये छोटी आंत सीधा, यहाँ तक आपका हो गया एक ग्रहणी, यहाँ तक हो गया आपका क्या जेजुनम, यहाँ तक हो गया आपका ईलियम, मतलब उस छोटी आंत को 3 जगह बांटा गया, जिसका पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है जेजुनम, तीसरा भाग है ईलियम। पहला भाग ग्रहणी जो है वो किससे जुड़ा होगा, ठीक अमाश से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अमाश से जुड़ा हुआ है। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर उंगली जैसी रचनाएं होती, छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर उंगली जैसे इस तरह से रचनाएं पाई जाती, इस तरह से, ठीक है, जिसे हम विलाई के नाम से जानते हैं, विलाई, विलाई के नाम से जानते हैं। इससे निकलने वाली आंत रस, अब विलाई से क्या निकलेगा, आंत रस भोजन को माल्टोज, भोजन के माल्टोज को ग्लूकोज बदल देगा। देखो सबका काम अलग अलग, सभी एंजाइम का काम अलग है, कुछ का काम क्या होता है प्रोटीन को पेप्टोन बदलना, किसी का काम वसा को वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदलना, किसी का काम क्या होता है कि भोजन के माल्टोज को ग्लूकोज बदल देना होता है। तो इसको याद रखिएगा पॉइंट को, छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में पित्तवाहिनी और तथा और अग्न्याश की वाहिनी में मिलती है। अब छोटी आंत के पहले मतलब ये हुआ कि अग्न्याश के जस्ट बाद एक नली आती है, जिसका कहाँ से, एक तो आती है अग्न्याश से नली आती है, एक वाहिनी, एक आती है पित्तवाहिनी से, मतलब पित्ताशय से आती है। अब उसी के जरिए क्या होता है, पित्त रस का या अग्न्याशी रस का स्वराध होता है, मतलब छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में आके मिलता है और वहाँ से भोजन का पाचन और भी ज़्यादा शुरू होता है,
ठीक है। अब देखो पांचवा भाग है यकृत, इसका काम क्या होता है। यकृत जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होगा, 1.5 kg, इसका वजन 1.5 kg के आसपास होगा। यकृत कोशिका से पित्त का स्राव होता है, जो पित्त की थैली में पित्ताशय में जाके जमा होता है। यहाँ से पित्त रस पित्तवाहिनी द्वारा छोटी आंत में चला जाता है, जो भोजन अम्लीय को छारी बनाता है और भोजन के वसा का पायसीकरण करता है। मतलब ये समझ में आया कि यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका पीएच जिसका वजन 0.5 kg के आसपास होगा। यकृत कोशिका से पित्त का स्राव होता है, याद रखिएगा, यकृत कोशिका से पित्त का स्राव होता है, जो जाके पित्त की थैली में जमा होगा, मतलब पित्ताशय में जाके जमा होगा, ठीक है, पित्ताशय में जाकर जमा होगा आपका। भोजन अम्लीय को, अब पित्तरस क्या करता है कि अम्लीय भोजन का, इसका मेन काम है कि अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना, ये अच्छा काम है। अब जो अम्लीय है जिसमें अम्ल का प्रभाव ज़्यादा है, या क्षारीय है जिसमें क्षार का प्रभाव ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षार का यूज़ करते हैं, अगर क्षार है तो उसको अम्ल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो भोजन को अम्लीय, भोजन को क्षारीय बनाता है, अम्लीय भोजन को, और वसा का पायसीकरण करता है। उसके बाद है अगला अंग, जिसका नाम क्या है, अग्न्याश। ये थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा इसको, तो आप लोग रोटेट कर लेना, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही पढ़ देता हूँ। अग्न्याश, अग्न्याश एक पीले रंग की ग्रंथि होती है, ठीक है, जिससे निकलने वाली अग्न्याशी रस जिससे निकलने वाली अग्न्याशी रस ट्रिप्सिन लाइपेज एमाइलेज नामक एंजाइम निकालते हैं। अब अग्न्याशी रस से क्या क्या निकलेगा भाई, अब ट्रिप्सिन निकलेगा, लाइपेज निकलेगा, जाइमेज निकलेगा, ये सब हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, ये सब ग्रंथि से निकलने वाला एक पोस्ट मतलब एक हार्मोन्स है, एक रस है। पचा हुआ भोजन शरीर के, क्या लिखा हुआ इसमें, लाइपेज नामक पाए जाते हैं। उसके बाद अगला अंग है बड़ी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, छोटी आंत यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर बड़ी आंत यहाँ से शुरू हो गया, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, ये जोड़ हो गया, ठीक है, एक सीकम नली पाई जाती है, एक सीकम नली यहाँ पाई जाती है, एक सीकम नली पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, जिसको हम सीकम के कहते हैं, जहाँ पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में चला जाता है। अब सीकम नली से क्या होगा, पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा, ग्लूकोज, वैसे क्या होता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड बदल लिया गया, वसा का पायसीकरण हुआ है वहाँ, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लिसरॉल में बदला गया है, तो इन सब अंगों को बदला गया, इन सब पोषक तत्वों को बदला गया है। तो बड़ी आंत में जो भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ केवल भोजन का पाचन नहीं होगा बल्कि जो जल होता है, पानी होता है, वो उसका केवल अवशोषण होगा, छोटी आंत में ही भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है, बड़ी आंत में केवल और केवल जल का अवशोषण होता है, ताकि एक्स्ट्रा पानी लेकर भोजन को और भी महीन करना और उसको सीकम नली में भेज देना होता है, ठीक है, कोलन में भेज दिया जाता है, अगले भाग कोलन में भेज दिया जाता है। अब यहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत के जोर पर जो सीकम नली है, उस नली से पचा हुआ भोजन रक्त के माध्यम से, शरीर के सभी कोशिकाओं में चला जाएगा, मतलब ग्लूकोज का एक निर्माण करेगा वहाँ जाकर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला अंक है बड़ी आंत के बाद, बस लास्ट है, बड़ी आंत खत्म हो गई। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, परंतु भोजन का पाचन नहीं होता, अपचा भोजन अस्थायी रूप से बड़ी आंत के मलाश में जाके जमा हो जाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ देखोगे भोजन छोटी आंत गया, छोटी आंत से ऐसे करते करते फिर बड़ी आंत में आ जाएगा, छोटी आंत ये हो गया आपका, छोटी आंत से करते करते फिर बड़ी आंत में इसी तरह से भोजन आ जाएगा। यहाँ क्या होता है, एक रेक्टम होता है, रेक्टम नली होती है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्षुधांत्र होगा, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, ये उससे ऊपर अग्न्याश होगा, फिर अमाश होगा, फिर उसके ऊपर होगा पित्ताशय, पित्ताशय में पित्त आके जमा होता है, बर्तन यकृत होगा। तो ये सारे अंग थे, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ, पित्त क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं पित्त क्या है,
पित्त क्या है, भोजन के पाचन में पित्त का क्या महत्व है? तो पित्त गाढ़े रंग के एक क्षारीय पदार्थ होता है ना, याद रखिएगा, पित्त जो होगा वो क्षारीय रंग का एक गाढ़ी दर होगा। अब देखो, भोजन जो अमाशय से आ रहा है वो अम्लीय भोजन है, उसको क्षारीय बनाना जरूरी है ताकि अगले भाग दीवारों, मतलब अगले भाग का मतलब ये होगा कि अगर छोटी आंत में जाएगा तो उसकी दीवारों में खराबी करेगा, ठीक है, बहुत दिक्कत होगा। तो उस भोजन को पचाने से पहले क्या करेगा, पित्त रस कि उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देगा, उदासीन कर देगा, अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए उदासीन का प्रयोग किया जाता है, जिसका पीएच मान 8.9। पित्त का पीएच मान क्या होगा, 8.9, जो यकृत कोशिका से श्राप्त होता है। वैसे ये है कि भोजन में पाचन में पित्त की भूमिका इस तरह से होगी, किस तरह से होगी, भोजन में पाचन की पित्त की भूमिका निम्नलिखित भूमिका होती है, ये भोजन के अमृतों को समाप्त करके क्षारीय बनाता है, चलो ये सही बात है। दूसरा है आपका, यह भोजन के वसा का पायसीकरण करता है ना, पित्त रस याद रखिएगा जो क्या होता है, भोजन के वसा का पायसीकरण करेगा, मतलब वसा का पायसीकरण अर्थ हुआ कि वसा को छोटे छोटे कणों में बांट देगा, वैसे वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना बहुत ईजी नहीं होता है, पायसीकरण करता है ताकि लाइपेज इंजाइम की क्रिया आसानी से हो सके, सफल ढंग से हो सके लाइपेज इंजाइम की क्रिया, ठीक है। आज क्लास में बस इतना ही, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको।